चूड़ी भेजेंगे प्रधानमंत्री को। तुम्हारी अम्मा कही थी। क्यों भाई भक्तो गोबर कहाँ हो बे? नमस्कार, मैं काजल निषाद। कैसे हो आप दोस्तों? बहुत दिनों से सोच रही थी कि हमारे फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट जो हमारी है वो हमारे अच्छे मित्रों से भरी पड़ी है, तो आज उनको ऐड किया जाए और कुछ इसमें गोबर जो भरे पड़े हैं उनका बायकॉट किया जाए। कुछ गोबर जो मित्र है जो गटर से बेचारे आए हैं उनको ब्लॉक करके उनकी यात्रा शुभ की जाए, है ना? सही कहा ना हमने? क्यों भाई भक्तो गोबर कहाँ हो बे? कहाँ? गटर, नाली। अच्छा थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तुमसे बात करते हैं। वो गाड़ी तो आ रही है कचरे वाले की, पर थोड़ा रुक जाओ, तुमसे बतिया लेते हैं, फिर चले जाना अपने घर। ठीक, क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, शालीनता से बात करती हूं तो पछता नहीं है क्या? तुम क्या समझे? काजल निषाद को कुछ भी बोल देंगे और वो घर पे बिल्कुल बेलन से रोटी बनाती रहेगी, कुछ बोलेगी नहीं। अरे वो बेलन जो है ना तुम्हारे पिछवाड़े में घुसार देंगे अच्छे से, समझे? जिस बेलन से रोटी बनाए थे वो रोटी खा पाओगे? सालों निकाल नहीं पाओगे फिर। हाँ, महिलाओं से बात करने की तमीज नहीं रह गई तुम लोगों में क्या बे गोबर? अपनी माँ बहन से ऐसे ही बात करता है घर में? हाँ, तुमको कुछ कहा हमने? टिप्पणी करने आए हो तुम यहां? सालो औकात नहीं है तुम्हारी बात करने की, बात करते हो? कोई बात नहीं, कहां से आ जाते हो हमारी फ्रेंड लिस्ट में यार तुम लोग? यहां तो इजाजत नहीं है गोबर गटर को आने की। हाँ, तुम लोग जो नाम में इतना धोखा खा जाते हो, तुमको पता है उत्तरी कोरिया का वो नेता तुम लोग को ढूंढ रहा है? किम जोंग उन ढूंढ रहा है तुम लोग को? शी जिनपिंग के जगह तुमने उनका जो पुतला दहन कर दिया ढूंढ रहा है? हमको कल फोन आया था, कह रहे थे कहाँ है वो बीजेपी के सब गोबर? हमने कह रहे छोड़ो जान दो, भाजपा ही है, अक्कल वक्कल तो होती नहीं है सालों में, नाम में इतनी गड़बड़ करते हैं, विद्या बुद्धि तो है नहीं। हाँ, बचा लिया तुम लोग को सालो। महिलाओं से बात करेंगे। हमने कहा था कि चूड़ी भेजेंगे प्रधानमंत्री को, हमने कहा था सालो। तुम्हारी अम्मा कही थी, स्मृति ईरानी, उनको तो कुछ कह नहीं पाए, उनका जो जब बहुत ज्यादा विकास हो चुका है उनका। हाँ, किनके नाम की चूड़ियां पहन ली उन्होंने अब? अरे हम अभी शूटिंग नहीं कर रहे हैं, हमारी बच्ची छोटी है घर में, तो हम परिवार के साथ है, तो शूटिंग का सामान बचा था, तो हमने कहा कि भाई चूड़ियां भेज रही है तो बिंदिया भी ले जा, बिछिया भी ले जा, काजल पाउडर सब पड़ा है हमारे पास, ले जा भाई दे दे, सजने संवरने के दिन चल रहे उनके, तो क्या बुरा कह दिया बे? हाँ सालो, उनसे तो कुछ कह नहीं पाए तुम, फटती है क्या? हाँ, ऐसा बेलन घुसाड़ेंगे ना पिछवाड़े में, सूझ जाएगा, हग नहीं पाओगे तुम, बर्नोल लेने आ जाना हमारे पास फिर। सालो तमीज बेच खाए हो तुम लोग, एक नेता देश से बड़ा हो गया तुम्हारे लिए, दिखाई नहीं दे रहा, आंखें फूट गई है तुम लोग की? हाँ अंधो सालो, हमको तमीज सिखाओगे? हमारी शालीनता पची नहीं तुम लोगों को? हाँ, तुम्हारी यात्रा शुभ करते आज, टेंशन न लो, सीधा ब्लॉक। क्या है कि तुम लोग को अनफ्रेंड भी नहीं करना चाहिए, तुम गटर हो, कीड़े हो, तुम्हारी जगह वहीं है, वहीं भेजना चाहिए तुम लोगों को। क्या हो रहा है अभी कानपुर में? बीजेपी की सरकार है ना, क्या हो रहा है कानपुर में? नाबालिग लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, तुमको दिखाई नहीं देता अंधो? हाँ,
कहा कि तुम्हारी बहन माँ नहीं है ना वहां पे, इसलिए नहीं दिखाई देगा तुम लोगों को। गर्भवती हो जा रही है किशोरी बिचारियां, एड्स हो जा रहा है, कहाँ गया सब? हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तुम लोग का सालों, क्या क्या नहीं होता है तुम्हारी सरकार में, दूसरों पर उंगली उठाते हो। छी, थू साला, तुम लोग की सरकार पर। क्या तुम्हारा बाप जो है सस्ता नशा करके बोलता है क्या? कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है, सालों उठा के वीडियो देख लो। पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके वीडियो मुझे एक भेज दो, तुम्हारे पिछवाड़े में ताकत है तो एक भेज दो ऐसा वीडियो जो पहले कुछ बोले और बाद में कुछ बोले और गलत बोले हो। तो तुम्हारे बाप के लाखों वीडियो हम भेज देंगे तुमको सालो। बहुत पूजा कर रहे हो, अगरबत्ती लगा रहे हो फोटो लगा के, हाँ देश से बड़ा नेता हो गया। कुछ भी बोले, हमारा है हमारा बाप है, बाप सही बोलता है, देश गया भाड़ में। हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक किए थे तुम्हारे बाप को, दिया था ना अवार्ड तुमने, और अभी अभी चीन में कह रहे हो कि वो तो सेना की गलती है, हमारे पिताजी कुछ नहीं किए, अब सेना की गलती लग रही है। सालो बेच खाओगे तुम देश को, बेच खाओगे तुम लोग देश को, कुर्सी के लिए लालच के लिए सत्ता में आए हो। नहीं तो एक बात बताओ, इसके लिए सत्ता में नहीं आते तो जो वादे किए थे वो काहे नहीं निभाए? एक एक वादा बता दो मुझे, काम गिनवा दो, एक अस्पताल बता दो भक्तों। गटर बेटा, गोबर कहाँ चले गए? सुन रहे हो ना, मरवर मरवर तो नहीं गए हमारी बात सुन के? एक अस्पताल का नाम लिख दो साले, नेतागिरी करेंगे। क्या हो रहा है योगी सरकार में? पूछेंगे ना सवाल, सब पूछेंगे। विपक्ष में थे तो हंगामा की थी तुमरी जो है अम्मा स्मृति ईरानी, हाँ गैस का बाटला लेके घूम रही थी इधर उधर, तब क्या हुआ? तब किसी ने पूछा, कहा किसी ने, क्यों सवाल पूछ रही हो? कोई नहीं पूछेगा, क्यों? पता है विपक्ष में होगा वो सवाल पूछेगा, सरकार में होगा वो जवाब देगा। इतनी सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है सालो? पढ़े लिखे हो तुम लोग गोबर? कौन भेजा तुम्हारे पिताजी को ब्रा? कौन भेज रहा बे? काहे महिलाएं ब्रा भेज रही है, चूड़िया भेज रही है, बिंदी भेज रही है? नहीं है साले में औकात देश को चलाने की, तभी ना भेज रही है। हाँ, काहे नहीं लड़ रहे हो? इतिहास में सबसे ज्यादा गाली खाने वाला प्रधानमंत्री कौन, सर्च कर लेना, तुम्हारा पिताजी, देख लेना इतिहास रहेगा ये। सबसे ज्यादा फेकू जुमलेश्वर महाराज, जूठेश्वर महाराज कौन? तुम्हारा बाप, देख लेना इतिहास रहेगा ये। साला कुछ नहीं बोलता। हाँ, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं चीन कब्जा कर लिया है, वही सस्ता नशा फूक के चच्चा कह रहा है कोई कब्जा नहीं किया। कौन झूठा? कौन झूठा कौन सच्चा, कौन बताएगा ये? हेलो, मैं तो सबको कह रही हूं कि ये जो भक्त हगने आते हैं ना यहां तुम्हारी वॉल पर, इनको तुरंत ब्लॉक कर दो। साले देख ही ना पाए, अंदर ही अंदर मसल के घुट जाए ये साले। जब रैलियां होती है, मैं सुनो एक बात और कह दूं, बिहारी भाई बहन जो भी मुझे सुन रहे हो मेरी बात गौर से सुन लेना, देश के लिए तुम लोग के लिए कह रही हूं, किसी पार्टी के उसमें नहीं कह रही हूं मैं तुम लोग के लिए कह रही हूं। जब रैली होती है ना, रैली होती है, तुम्हें तुम्हारा प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या रक्षा मंत्री या फलाना कानून मंत्री, जितने अंतरी मंत्री संतरी है सब सरकार में, तुम्हें कब दिखता है? कभी नहीं दिखता है, तुम देख भी नहीं पाओगे, तुम वार्तालाप नहीं कर पाओगे, संदेश नहीं भेज पाओगे। तुम्हें कब दिखेगा? रैली में दिखेगा। बहुत सारी लाखों की भीड़ होगी वहां रैली में, तुम्हें तुम्हारा प्रधानमंत्री भी दिखेगा, रक्षा मंत्री भी दिखेगा स्पीच देते हुए। तब इनके 10-20 हजार आदमी बीच बीच में बैठा दिए जाते हैं, कुछ भी बोले वहां बोल देने का, मोदी 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 ये जो बोलते हैं ना, तब बीच में आवाज उठाना, क्योंकि तुम्हें सामने कभी नहीं दिखेंगे नेता। चुनाव खत्म, खेल खत्म, नेता भाग जाएगा, तुम्हें दिखेगा भी नहीं, तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होगा। पैदल चलो, मरो, घिसो पिटो, कुछ भी करो, ये सुनेंगे नहीं।
ये अपने वाले करेंगे, तब आवाज उठाना, कह देना कि प्रधानमंत्री जी सुनिए, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे प्रधानमंत्री हो, मेरे लिए सर्वोच्च नेता हो आप, लेकिन सुनिए माननीय, यहाँ आप गलती कर रहे हैं। जब वो गलत बोले ना, तब आवाज उठाना। तुम तो पढ़े लिखे हो ना, माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, एजुकेटेड बनाया, कब काम आएगा? नेता कुछ भी हक के चला जाएगा तो चाट लोगे, बोलोगे नहीं? अबे सालो भक्तो, कब तक छुपाओगे, कब तक ढकोगे? पिताश्री का हगा हुआ कब तक ढकोगे, कितना ढकोगे? कभी तो बस आएगा ना, हाँ कभी तो बास निकलेगी ना, फिर चाट लेना। चाट ही रहे हो तुम लोग, क्या कहते रहते हो कुछ भी मुझे। हाँ क्या किया मैंने, क्या किया? देश के लिए ही आवाज उठाती हूँ ना। कभी आके ये बोलती हूँ कि कांग्रेस बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत अच्छा है, कांग्रेस ने ये काम किया, ऐसा बोलती हूँ मैं? किसी पार्टी के बारे में बोलती हूँ मैं? हाँ सालो, जानते नहीं हो हमारे बारे में और हमारे बारे में बातें कर रहे हो। वॉट इज दिस काजल? हाँ तुम मुझे बताओगे वॉट इज दिस काजल? शेम ऑन यू। अबे चल, बात करता है, बेच देगा धीरे धीरे पूरा देश, तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, पूरा देश बेच देगा। मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था ना कि कौन है ये पनौती देश में। आप कोई भी आज का कोई भी अखबार उठा के देख लो, संकट ही संकट लिखा रहता है समाचारों में। कोई भी समाचार पढ़ लो, यहाँ दुर्घटना हुई, ट्रक लड़ गए, यहाँ ये मर गए, ट्रेनें लड़ गई, जान चली गई, आत्महत्या हो गई, कोरोना के इतने पेशेंट बढ़ गए, सब संकट संकट ही। धरती हिल गई, भूकंप, संकट ही आ गया है देश में। तो समझो, सोचो, पता है मुझे गोबर भरा है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी विद्या होगी ना तो सोचना क्यों हो रहा है, कौन है ये पनौती। हाँ तुम्हें पता है जब हम किसी का सौगंध खाते हैं ना, हम कहते हैं ना कि फलाने की सौगंध ये मैंने नहीं किया, तो हम सौगंध खाते हैं तो पूरा करते हैं ना कि नहीं। ये कहावत है कि किसी की सौगंध खाते हैं ना तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, ताकि जिसकी सौगंध खाई ना उस पर फिर संकट आता है। यहाँ क्या बोलता है, मुझे सौगंध है इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकना। मिट्टी बर्बाद हो गई, झूठी सौगंध खा के मिट्टी बर्बाद हो गई। अब की बार बोले कि मुझे सौगंध है बीजेपी के सारे नेताओं की, मैं ये नहीं होने दूंगा। उसके बाद देखो तुम, पड़ा पड़ पड़ा पड़ पड़ा पड़ा, इससे सबकी जो है विकेट आउट होगी। झूठी सौगंध है ना, आउट तो होगी ही। इसीलिए सालो, अगली बार तुम लोग को कहते हैं महिलाओं से बात करने की थोड़ी तमीज रखो। गालियां सबको आती है, शालीनता सबके पास होती है, और रौद्र रूप भी सबके पास होता है। जिस दिन रौद्र रूप दिखा देंगे ना सालो, मुंह छुपाने काबिल नहीं रहोगे। अभी तो उत्तर कोरिया ही नेता ढूंढ रहे हैं तुम लोग को, बाद में सब ढूंढेंगे सामने। एक बार जाओ ना, चप्पल से स्वागत होता है ना तुम लोगों का, होता है ना? एलईडी से प्रचार कर रहे हो बेटा, चीनी एलईडी से प्रचार कर रहे हो? हाँ सामने जाके देखो कौन सी एलईडी मुंह पे छप जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी अम्मा पहचान नहीं पाएगी जो तुमको जन्म दी है। साले बात करते हो। और सारे मित्रगण से निवेदन है कि ऐसे लोगों का बायकॉट करो, इन लोगों को जो है ब्लॉक करके इनकी यात्रा शुभ कर दो।